एक लड़की है, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है शादी के लिए। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, लेकिन बनाना तो है मुर्गा। मिलाओ। हेलो, मैडम, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट जाऊंगा। 2 मिनट में जो मेरे दिल में बात है मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं हम काफी लोगों को फोन नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही को फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। तुम लोग इतना उनको वो करते हो, हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे, ये ले लो वो ले लो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैडम, मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इन 2 मिनट में मैं आपको सारी बात समझा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो बैठे बैठे समझा दूंगा आपके। सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को परेशान करना। हमारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करिए तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम, ये मैं अपने कॉल घर वाले को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं संतुष्ट कर दूंगा। आपको बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपकी कॉल अपने आप ट्रांसफर करके खुद समझा दूंगा। क्या बेच रहा है, बता मेरे को, बता। मैडम, जैसे आपने पूछा है मुझे बताने को, तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मैं मैट्रिमोनियल साइट पे गया, मैंने देखा आपका प्रोफाइल लगा हुआ है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरा भी दिल आ गया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो मैडम? ये गलत बात है, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों बात करते हो। अपना अपना स्टाइल हो रहा है, तो मेरा ये स्टाइल है, मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। मैडम, मैंने पहले आपके पत्थर तो नहीं मारे, मैंने तो फोन उठा दी, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बात मेरी सुन ले तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी इस तरह अगर मेरी कॉल करती रही तो मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी, मैं तो कुंवारा बैठा रहूंगा, आप बसते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। थैंक यू। हेलो हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया, मैं एक्चुअली मैरिड नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते विश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारे ही समझ लिए लड़का है विपिन। क्या रही कुछ मीटिंग वीटिंग अभी एक हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं, सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम एक बार मिले थे, मगर कुछ बात बनी नहीं तो हम शादी नहीं कर रहे। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है और कौन कौन सी डेट में नहीं हो रही है शादी। आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन कौन कौन सी डेट में नहीं हो रही है, लाइक महीना पागल हो गया मैं, कितनी मतलब नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है? ये मेरी समझ में आ गया बेटा, ये मेरी समझ में आ गया, मैं पूछ रहा था कब कब नहीं हो रही है। आप एक काम करो, मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है, ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुम फर्क नहीं करेंगे तो। हेलो बेटा, आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी को बताओ, बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए, हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए, ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। मैडम बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ के बात नहीं होती, मुर्गा बन के आपको मेरी बात। देखिए आप, बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है, और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था, बस मैं ये पूछा था कंफर्म तो होने चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी अभी मेरे को लग रहा है आपको सर आपके आपके सांसों से लग रहा है, एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो नवेद सर, संतोष। कौन संतोष?
आपकी कंपनी में सर अकाउंट्स में हूँ अभी. गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में होते ना तो. जी बताइए सर. ये सुना आपने गुजरात में क्या, ये गुजरात में है ना कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट. हाँ सुना है मैंने. हाँ वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को आधा किलो बर्फी है. हैप्पी दिवाली सर. हैप्पी दिवाली. हाँ हैप्पी दिवाली. ओके सर. हेलो दिव्य ज्योत जी. हाँ कौन बोल रहे हैं? कैलाश. कैलाश आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में एक दो बार देखे हैं. हाँ बोलो. वो सुने आप गुजरात में जो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा. हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का. एक तो आप हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है. पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहाँ. हैप्पी दिवाली सर. हैप्पी दिवाली. हेलो. हेलो सर, हाउ आर यू? बताइए कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में. हाँ बताइए. आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दी है. जानता हूँ मैं, जानता हूँ सर. मेरे को मिल गया डिराई फ्रूट का डब्बा सर. वैसे कितने थे इसमें डिराई फ्रूट, क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था. मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे, कितने होंगे? ये HR ने करवाया था आप लोगों के लिए दिवाली के लिए, आप ना लेके जाइए. बादाम थे उसमें मेरे ख्याल से, शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे. बादाम खोले, 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी. कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेट. फिर भी साहब जी भाई का देखो आप हैं गुजरात वाले साहब जी भाई. और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर. हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली. हेलो सर, दिस इज प्रीति. I am work with your company in the IT department. Yeah, Preeti, tell me. Sir, आपने सुना ही होगा गुजरात में सावजी भाई. आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है. Actually, sir, one of my cousins वो उन्हीं के साथ काम कर रही है, सावजी भाई के साथ. So she called me up yesterday and she is really happy. Then she asked me कि मुझे क्या मिला है and मैंने तो बताया ही नहीं. तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम करने करने लग जाते हैं? नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट. तुम लोग काम करने आते हो यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो? किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेजिंग मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हैं, ये काम करने. हेलो हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी शशांक बोल रहा हूँ. शशांक हाय, मैं एक्चुअली मैंने आपको फोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिक मॉडल पे. तो इफ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा. आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ. नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज्यादा तवज्जो है. नहीं नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ. नहीं आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है. मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं. अच्छा. मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात. अच्छा. एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए. हम सारे, हमारा बड़ा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं तो बस. नहीं नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है. देखा जाए, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मिलेंगे पूरे परिवार से शादी, बल्कि मेरे बड़े भैया तो गए हुए हैं. भाभी से बात कराता हूँ आपकी. सविता भाभी, ए सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई, आप बात करिए. सविता भाभी शशांक है जिनका प्रोफाइल देखा था. हेलो बेटा. हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी. कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के. और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना, मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया. आप थोड़ा आराम कर लो अभी. हाँ तो मैं देखिये, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है परिवार. अच्छा. आप जब मिलोगे ना, क्या करके मैं अभी बुलाता हूँ उसको, कजन है हमारी. खलीफा
खलीफा, खलीफा ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताएं कल आपने? खलीफा, खलीफा ये कल ही आई है, दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता रहा। अच्छा अच्छा, हेलो। हाय मिया खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक, तो और खलीफा जी मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से, खलीफा मैं पूरे परिवार से, जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी, जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Yeah. And Johnny, what do you do? well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. Sunny से बात करूँ ना, Johnny, you can go. All right. Sunny से बात कराता हूँ. सनी, ए सनी, सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय, कैसी हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब कैसे हैं, कैसा कैसा हूं? है कैसा है सनी है, ये हमारा कजन। अच्छा, है। अच्छा, सनी लड़का है। सनी मैं, मेरे ख्याल से सनी ये वही है शशांक है, शशांक है। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा अच्छा, जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात कर गई है, बस तू ही रह गया था सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। हाँ, तो बस बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिलेंगे। हाँ, बाद में फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है। अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी से शशांक है, सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं? हाँ मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है। ओ, आ गए आप? बेटा मैं तुमसे एक घंटे बाद बात करूं। क्यों, क्यों, क्या हो गया? बेटा प्लम्बर आया है, एक घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ सविता भाभी, पता नहीं क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है भाई। देखो, इस परिवार से तुम्हें लिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारा परिवार है, मैं, पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा अच्छा, सर एक बात है कि कार में आओ कि हार्ड ड्राइव में? हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम कमलेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। सर, बैंक की तीन स्कीम आई है, लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? नहीं सर, सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। ये सही समय नहीं है सर आपसे बात करने का? नहीं। ओके सर, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने IVRS के थ्रू अपनी कंपनी में कि आपका ये समय सही नहीं है बात करने का, किसी और समय बात करें, राइट सर? ठीक है सर, आप, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ जिसमें ये मैं लिख देता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, राइट सर? आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हो। सर, यस 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 यस। हेलो सर, मैं IDFC बैंक से, वो जो आपसे बात हुई थी सर, हमारे बैंक से एक सर्वे के लिए कॉल आएगा, वो पूछेंगे कि क्या आपसे पूछा गया था ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, तो आप भाई मेरे पे और भी काम है, मैं यही करता हूं। ऑलराइट, ऑलराइट, नहीं, जब उनको आप बोल दीजिएगा कि हाँ पूछा था मुझसे कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। ठीक है, बोल दूंगा। ओके। हेलो सर, आई एम श्योर बैंक से अभी तक कोई कॉल नहीं आया होगा क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। तो भाई नहीं, किसी, I'm just asking, सर, कोई कॉल तो नहीं आया? नहीं आया। वही मैं क्लियर कर रहा था सर, कंफर्म कर रहा था सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपसे बात, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, आपने ये तो बता दिया कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कौन सा सही समय है आपसे बात करने का सर? अरे पागल हो क्या, दिन भर यही करते रहोगे और कोई काम सर? मैं आप गुस्सा खामा खा कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताना चाहिए ना सर। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो विजय का बच्चे पागल तो नहीं है, उनको फोन कर रहा है सर? आई एम सॉरी, हमारे जो दूसरा एजेंट है मेरे बराबर में बैठा था, आपको कॉल कर रहा था, अभी मैंने उसको बोला ये सही समय नहीं है आपसे बात।
जबकि मेल आया हुआ है इसके बाद क्या आपके पास ये सही सर? ये अब ये गाली गलौज हो रही है, अब मुझसे बात करने का ये सही समय नहीं है। आप मिर्ची मुर्गा बन गए हैं। मैं रेडियो मिर्ची समेत बोल रहा हूँ, ये सही समय बिल्कुल नहीं आपसे बात करने का। भाई साहब हेलो। भाई साहब ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ 1 किलो आलू लिखा। लिखा। अब लिखो अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी। 1.5 किलो गोभी। फूल गोभी देनी है बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो लिखो। लिख लिया आपने? हाँ लिखा फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। इमली 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो। धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मिर्ची है? मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो आप। लिखो आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा ये सब लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने। कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू। कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ सही से लिखा है। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो आप। प्याज। प्याज लिखो आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ लिख लिया आपने? सब लिख लिया? लिख लिया सब। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया सब। एक सेकंड रुकिए, इधर आ गोलू। एक सेकंड आप होल्ड करो। गोलू इधर आ बेटे। ये देखो अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बाहरी नहीं चलेगा? पेपर में 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए। ये लिखे नहीं लिखे हैं? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। कदा कहीं का मैं थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं। कोई भी नहीं लिख सकता 3 से ज्यादा सब्जी के नाम, बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? आज कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब, ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं नहीं सब्जी क्यों भेजनी है, मैं तो लिखने के लिए कह रहा हूँ, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूँ मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, गोलू को, इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसे ही इसको समझा रहा था। अब सुनिए सर, ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर, मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार। आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो कुणाल। कुणाल आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ, योर फियांसे। कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। मैं रामपुर तक गया था। अच्छा अच्छा बेटे, काम ये था, कुछ मंगाना था वहाँ से। अंकल जी जरूर बोलिए बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो परेस बोल रही है। परेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की, वो भारी वाली परेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती वो है। वो बात है ही नहीं बेटे, वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिखी लो आप, अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवर कोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवर कोट जो होते हैं।
आंटी एक्चुअली यू नो आई नो यू नो दैट पालिका बाजार तो दिल्ली में वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी. क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे. कुणाल भैया से बात कर ले दे, कनाडा में अभी. हेलो कुणाल भैया. हाँ जी बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ. बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट पंडाना 3 गोल्डन. जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है. क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे. सुनो कुणाल भैया, सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा. अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन गार्ड ही ले आएंगे यार. फिर आ गए, मतलब कोई काम वाम नहीं है. लोगों का खून जलवा लो, परेशान करवा लो, मुर्गा बनवा लो. आ जाओ तो बना लो, आओ. हाँ जी, लगाओ जी, नंबर लगाओ. तो शुरू करते हैं. हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमें बचपन में बताया गया था कि गरीबों की मदद करें. हम आज तक करते हैं और करते रहेंगे. एक साहिबा हैं ऐसी जो कि बहुत मदद करती हैं. पता नहीं क्यों हर इंसान को थोड़ा सा परेशान और फिर खुश करने में मज़ा आता है. नंबर मिलाओ. हेलो, क्या मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ. सीमा जी, मैं किस तरह आपका, मतलब किस तरह मैं आपकी तारीफ करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है. किस तरह आपकी मैं, मतलब मैं इंट्रोडक्शन दूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकता. कौन बोल रहे हैं आप? मैं भी आप ही की तरह एक सोशल वर्कर बोल रहा हूँ. और सीमा जी, आई मस्ट टेल यू, यू नो जो आप ये काम करती है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के बारे में सोचना, मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ. परसों ही मैंने एक बंदे की जान बचाई है. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये काम आप कितने दिन से कर रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं. अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम क्यों करती हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अपने दिल को, मन को शांति मिलती है. यही बात है, शांति मिलती है इसीलिए. आप यकीन करना, परसों एक बंदे की जान बचाई है मैंने. मैं तो आपके आगे खैर कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब देखा यार बंदा है तो बंदे की मैंने जान बचा दी. आप पता नहीं इस बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मैं भी ऐसे काम करता हूँ. कल ही बंदे की जान बचाई है. अपने अपने लिए काम करते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं. दूसरों के लिए कमाओ जब बात है ना, दूसरों के लिए कमाओ. आपसे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं आपको. अरे मैं वही, मैं मतलब अपने लिए मैंने सोची नहीं, मैंने तो उसके लिए काम किया है. परसों ही, कल ही मैंने रात एक बंदे की जान बचाई है. क्या हो गया उसको, कैसे? मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस से निकला, घर की तरफ जा रहा था. एक बंदा इतना परेशान बैठा, रो रहा है. मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है सर क्या बताऊं, ना खाने को है ना पैसे है, बड़ा परेशान हूं. मैंने कहा भाई एक बात बता, ये मान कर चल के मैं अभी तेरे को 5,000 रुपए दे दूं तो क्या होगा? मेरे से कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा. हाँ? मैंने कहा दोबारा बोल. कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा. मैंने कहा जा नहीं देता. जब मरने की बात कर दी उसने, मैंने कहा जा नहीं देता. मैंने भी दिए ही नहीं, जान बच गई बंदे की यार. मैंने भी नहीं दिए पैसे, बया जान बचाई. मतलब आप समझे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं. मैंने कहा मरने की बात कर रहा है, मैंने दिए ही नहीं पैसे. बस मेरा क्या है, मैं बहुत भले आदमी की हेल्प कर देती हूँ. अच्छा अच्छा, और लेकिन मैं ऐसे कमीनों को ठीक भी करना चाहती. कैसे कमीनों को? जैसे कमीनों को. मेरी बात सुनिए, ऐसे मेरे को कमीना नहीं बोलेंगे आप. सीमा, मैं आपसे ज्यादा मजाक नहीं करूंगा. मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने बताया था कि माशाल्लाह आप ऐसे काम में लगी हुई हैं और हमें इस बात की तौफीक है. हम इस बात को जानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा और मैं सबसे पहले खड़ा हूँ हर इंसान के लिए जिसकी मदद मैं कर सकता हूँ और जितनी होगी मैं दिल्ली से करवाऊंगा. थैंक यू. लेकिन आप दिल्ली के डॉन हो, सबसे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए आप. सबसे ज्यादा जो होगा उससे भी ज्यादा कर रहा हूँ मैं, वादा कर रहा हूँ आपसे. अगर ये रेडियो पे आ रहा है तो मैं आपके माध्यम से कोई एक बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ. हमारा भी कैंप साउथ दिल्ली की तरफ लगा हुआ है. अच्छा. जनता से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़े, कुछ कम नहीं होता है. और जो आपदा आई हुई है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी बहुत हेल्प करें, पीछे नहीं हटे. सीमा के अलावा मेरा भी ये कहना है कि प्लीज जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेहाल हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, इनकी मदद जरूर करा करिए. मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा.
थैंक यू सो मच। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है, लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो हेलो, डॉक्टर उदित साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए, मेरे दो बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है, कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं, हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी, हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे, इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ सर नीचे करके, मैं रोशनी दे रहा हूँ प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हुए वो इनके लिए ठीक नहीं है, जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो बेटा साहब उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार, अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है, वो बच्ची भी घर पे है। हाँ बात कराएंगे, मैं बुलाता हूँ। सोनी आ रही है, आप फोन करना, पापा जाइए यहाँ से प्लीज, चले जाइए। पता नहीं किससे क्या 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 बोल दिया, आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा, क्या कह रहे थे आपसे, ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था, आई एम डॉक्टर उदित। डॉक्टर उदित आई एम सो सॉरी, अब मैं क्या करूँ, इनके इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक दिया, अब इनके दिमाग का क्या करें, प्लीज बोलिए ना क्या बोला इन्होंने। तो आप इनके कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ, मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं इन्होंने कुछ अनाप शनाप क्या क्या बोला इन्होंने प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई दो बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनाने। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ, छोटा वाला लकड़ा लड़कियाँ जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके, यही कहा होगा ना आपने, क्या कहा फिर इनसे? उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है, फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा? पापा भी पागल हो चुके हैं, मैं इनको कह चुकी है कल लकड़ियाँ कट चुकी है सारी, आज नहीं कटनी लकड़ी, यार इनको क्या हो गया, आई एम सो सॉरी डॉक्टर, कल लकड़ियाँ सारी कट चुकी है डॉक्टर साहब। मैं क्या करूँ? अब बताइए पागल कौन है, ना तो डॉक्टर ना उस फैमिली में से कोई पागल हूँ, तो मैं पागल हूँ, मेरा इलाज कराइएगा भाई जी। आदाब, किसी लड़की की शादी हो और नवेद उसमें ना जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कम से कम फोन करके ये तो कह सकते हैं कि हम आए थे और मुबारकबाद दे दें। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। नौशीन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नौशीन मैं इकबाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ ससुराल की तरफ से, असल में मैं शादी में आया और तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन ये कहना चाह रहा था नौशीन कि तुम शादी में दुल्हन बनने के बाद बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अच्छी, आप कौन? मैं इकबाल बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि मैं जब शादी में आया तुम्हारी तो तुम तो दुल्हन बनी हुई थी, मैंने ये देखा कि तुम इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और सुनिए कमाल की बात, हमारी अहलिया यानी हमारी बीवी से आपके मामू ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारी बीवी ने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और हमारे जो चचा हैं उनसे इत्तफाक से चलते हुए आपके ससुर ने पूछ लिया आपके बारे में कि दुल्हन कैसी लगी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई। जी जी। और मैं इस चीज का कायल हूँ, इस कदर अच्छी लगी आप
हमारी ये खाला है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी नौशीन, तो खाला ने भी ये कहा सबसे कि बहुत अच्छी लगी और उस कपड़ों में तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। हमारा जो गरारा आया था शादी का वो हमारी फूफी ने दिया था। जी बताइए, फूफी ने दिया था, लेकिन आप इस कदर खूबसूरत लगी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा। हमें तो क्या अच्छा लगा, पूरे खानदान को आप अच्छी लगी, पूरे खानदान को। फिर हमारी एक चचा दाद बहन ने, उनसे किसी ने पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे बनके तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जी जी जी। फिर उसके बाद एक हमारे खालू के दूर के रिश्तेदार है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी लगी। ये भी आ गई है माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अरे तस्वीरें आ गई, लेकिन नौशीन खैरियत हो गई, बस बाल बाल बच गए। हमारे मामू का एक बेटा है 4 साल का, आपके ससुर ने उस बच्चे से पूछ लिया कि दुल्हन कैसी लगी, अब मैं धक से रह गया। बच्चे से कहाँ झूठ बोला जाता है, मैंने सोचा कहीं ये सच ना कह दे। मैं बच्चे को साइड में लेके गया, मैंने कहा तू एक काम कर, सी कहते सिर्फ अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी, मैंने कहा या अल्लाह कहीं इसके मुंह से सच ना निकल जाए, उससे भी कहलवा दिया मैंने कि अच्छी लगी। कहाँ गई नौशीन? नौशीन मेरी बात सुनो, नौशीन तुम बाकी में बहुत अच्छी लगी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो। और शादी के बाद एक उसूल होता है, एक रस्म होती है रेडियो मिर्ची की, हर दुल्हन को प्यार से कहना पड़ता है कुकड़ू कू। ये बहुत अच्छी लगी। Hello. Asha, hi. I am Kusuriya calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं। This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। What do you mean by 3 दिन? Asha. हाँ जी। You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे, मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों दिन 3 दिन छुट्टी पे थे। मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लॉडगंज, और मैं मजबूर था 3 दिन के लिए, और मुझे मैक्लॉडगंज लेकर गए। नहीं एक, चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लॉडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लॉडगंज, बट मेरी कंपनी है यार। आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ। हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो, कब गए हो? कब गए हो? नॉट तो वेकेशन पे गए हो, शायद 2 साल होने को आए हैं। मैंने कहा सरदार देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है। मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता, कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, कब लेकर गए तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम और तुम्हारा ऑफिस। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन सर। बाय द वे आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना। No. आशा, we have 2 Siddharth. हमारे ऑफिस में 2 Siddharth हैं. One is Siddharth Khanna and one is Siddharth Malhotra. So he is Siddharth Malhotra. My husband is Siddharth Khanna. He is not Malhotra. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा? नहीं सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है। तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? एक घंटे से चिल्ला रही है उसका बच्चे, चिल्ला रही जा रही हो? नहीं तो मैं, अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती ऑफिस में काम करता है ना? नहीं तो आप देख नहीं सकते थे किस पर डांट रही है आप। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये कॉल इंटरनेट से है, आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे? अभी कॉल कर रहा हूँ मैं, कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे, मैं अरे क्या कर लेगा, आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से तमीज क्या यार? नहीं एक, कैसे सर्विस कैसे एक लड़की से, एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं तमीज होती है ना, कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। हाँ क्या हुआ? ये देख मीना बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो कहा वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा, ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसे बात करें? क्या आवाज से इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर, नहीं आपका चुप कर, चुप कर, सॉरी मैडम, मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जब मैं यहाँ पे आई हूँ? तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ क्या क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम, कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम, आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी
गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था तू, तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी मैं एक सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ, आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है, सर से पानी ऊपर चला। एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं, कोई ये अपने आप को समझता क्या, ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है ये? रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। राजू इसने हरकत करी है ना, राजू इसने हरकत करी है, मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना, मेरे से कहता है किस जमाने की है तू, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है, आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को। फिर मारा कॉकरोच मैंने, आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहा, ऐसे मारा कॉकरोच, इधर फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी है ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अब सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए। हेलो, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब, दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दे। हेलो, हेलो उमंग जी। हाँ बोलो उमंग जी। ये बड़ी आवाज उमंग जी, ये गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का सेल परचेज? हाँ जी बोलिए सर। गाड़ी बेचने सर? कौन सी गाड़ी है भैया, मॉडल कौन सा है? सर वैगन आर है। मॉडल कौन सा है? मॉडल तो मेरे को पता नहीं है। तो कलर कौन सा है? ब्लू कलर की है। ब्लू कलर? कागजात नहीं है उसके मेरे पास। कागजात नहीं है? कौन सी बताइए, कौन सी? वैगन आर है, ब्लू कलर की लेनी है। अच्छा ये बताना कितनी चली हुई है? मैंने तो 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। कागजात नहीं मेरे पास, खरीदोगे? तो बैंड तूने केजरीवाल की गाड़ी छुड़ा दी, किसकी गाड़ी लाया तू? जल्दी किसकी गाड़ी लेकर आया तू? तो मतलब लेनी है नहीं लेनी बताओ। अबे जा तो उठा के लाए, मादर वही जाके खड़ी कर दे, तुझे पता है किसकी गाड़ी है? वो सीएम की गाड़ी है। आपकी चुराई है जो मेरे पे चिल्ला रहे हो आप, चाहिए वैगन आ रहे हैं ब्लू कलर के? मादर पता नहीं है किसकी गाड़ी उठा लाया तू, नहीं तेरी। टेप रिकॉर्ड भी है इसमें, गाना भी सुन रहा हूँ। अबे टेप रिकॉर्डर को, टेप रिकॉर्डर की माँ को, गाड़ी वही खड़ी कर वहाँ पे जाके। इंसान को इंसान से हो भाई जाना, ये वाला गाना चल रहा था। अबे सुन नहीं रहा मेरा भाई। भाई साहब हेलो। हाँ बोल भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था सर, आपको आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन सुनिए सर, ऐसी कोई कॉल आया ना बेचने के लिए, उसको इतना ही लताड़िएगा और उसे कहिएगा यहाँ लेके आया, मैं कार वापस करके आऊंगा। अबे जिसके पास भी ब्लू कलर की वैगन आ रहा है, अगर वापस नहीं करी तो वही होगा जो भाई साहब। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ, डॉक्टर लैब से। जी आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए? जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी, अफजा जी यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो गया? मतलब कि आधे आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अफजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट। एक मिनट, तो ग्लूकोज की कमी है, क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है लालवानी सर। एक सेकंड मिस्टर अहूजा। हाँ जी, विपिन की रिपोर्ट है, है।
प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट से कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स, उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके यार, मेरे साथ पूछिए बार बार। इज एवरीथिंग ऑलराइट? अरे कहां ऑलराइट मिस्टर आहूजा, मैं इनको समझा समझा के थक गया बच्चों की तरह। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए पूछिए पूछिए। मेरे मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हुई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना? अब कमी हो गई है ना, कमी हुई है, उसकी उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कमी हुई है ना, हम आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में दो बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता हूँ। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा? इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको, दो दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो चौधरी जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? चौधरी जी मैं आप ही का एक पड़ोसी समझ लीजिए। मेरे को इतनी खुशी होती है कि आपका भी ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी खुद की भी बेटी है, और बड़ी अच्छी बात है ये। मैं तो कह सभी को कहते रहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरे को बड़ी अच्छी ये नीता नीता आपकी बेटी है ना? हाँ सही बात है, नीता आपको पढ़ाओ। हाँ नीता आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है जी। मैं भी ये कह रहा हूँ चौधरी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी चलाना भी सिखाओ। क्या हुआ? कल मरते मरते बचाऊं, मेरी तरफ जो ला रही थी ऐसे ब्रेक ब्रेक लगाई नहीं जा रही, मेरी कह रही मेरे से करिए अंकल हट जाइए सामने से हट जाइए, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ। मैंने 50 दफा कहा स्कूटी लेकर नहीं चलना चाहिए। वही स्कूटी ऐसे मेरी तरफ आ रही है, अंकल हटिए, तो इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो ठीक है मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कूटी भी तो सिखाओ इनको आप। आज ही मैं सिखाऊंगा। आज सिखाइए उनको। मैं चाबी मैं रखता हूँ, देखो कैसे निकाल। बिल्कुल स्कूटी भी सिखाओ सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर मत कहिए, आप तो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और अच्छा? ये सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो शालिनी जी, गुड मॉर्निंग, मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके दो मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको एक मिनट में समझाऊं। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई टेल यू मैडम, सिर्फ एक मिनट में बता सकता हूँ, अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इस पे, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा देखा था मैंने तो। नहीं मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और दो दिन तक आप में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया? मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से एक रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉग इन मैं? आप अभी कर, बिल्कुल अभी, लेकिन लॉग इन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉग इन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है क्या सेव करना। 100% सेव करना है किसी में लॉग इन मत करिए, 60% सेव करना है उसमें लॉग इन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, आप सेव करती रहिए 100% आपने। 100% ये पोर्टल में चला दो। Hello? Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to? Rohi, hi. I'm Nukul. I'm calling from... Yes, uncle, tell me. आपने order book किया था 3 दिन पहले. जी. तो पहले इस तरह के text message आते थे ना, your order has been dispatched. Text message अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको update देता रहूँगा आपके. I think आपका वो था... cake molds है मेरे. आपका गोडाउन से निकल गया है, मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके हेलो, कपड़ा मार रहा है आपके उसपे, वो गोडाउन से निकलते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उसपे। हेलो, रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक बार में डिस्पैच कर दीजिए ना, मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो, बस अब पैक हो गया है लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? आई कीप अपडेटिंग यू ना। हेलो, बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है, आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा भैया। पागल
मैडम हेलो मैडम हेलमेट रह गया था वापस आ रहा है सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ गया आपके पास क्या क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद मैडम इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ मैं रेडियो में जैसे नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे हेलो हेलो साक्षी हाँ साक्षी आपसे दो मिनट के लिए बात करनी है कर सकता हूँ कौन बोल रहे हैं साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत उनसे मेरी बात हुई थी इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते रिश्ते की बात है और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो इसलिए किया है मैंने कॉल आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी मैं बात कर सकता हूँ वो सब तो ठीक है बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो आई एम सॉरी आपको भी कंफ्यूजन हो गया ये मेरी टोन है मैडम मैं खुद परेशान हूँ आप थोड़ा रिलैक्स नहीं मैं रिलैक्स ही हूँ मैं अभी सो के उठाऊँ प्रॉब्लम ये है मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ ये टोन की वजह से लगता है मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है ये मैंने ना ईएनटी को दिखाया था तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं प्लीज डोंट माइंड ये टोन है आपसे मेरे को बात करनी है आपने क्या नाम बताया अपना आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप ये देखो ना मैं आज सो के उठाऊ मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त मतलब मैं आई एम सो हैप्पी राइट नाउ क्या करूं मैं अब बताओ टोन है ये अच्छा ओके वो ठीक है बट आपके अंकल से बात हुई मेरी बात हुई है अंकल से क्या करते हैं आप बिजनेस करते हैं आप इतना रूड अरे रूड नहीं हो मेरी टोन ऐसी है मैं बहुत अच्छे मूड में उस वक्त आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए मैं अंकल से बात नहीं मैं कब मिले सैटरडे तो नहीं क्यों सैटरडे क्यों नहीं सैटरडे क्या प्रॉब्लम है ओफ, ओ, आपकी टोन अब टोन नहीं है गुस्सा है मेरा एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा आदमी को अरे गुस्सा ये हंस हेलो हेलो अब सच बता दो कौन बोल रहे हैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से क्या करूँ मैं तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ये मेरी टोन है इसी टोन से मिलने आइए हेलो इज दैट जागृति यस स्पीकिंग हु इज दिस जागृति हाय आई एम विष्णु विष्णु हाय आई विल टेल यू हियर हाय मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था एंड आई हैव सीन यू आल्सो ऑन मैट्रिमोनियल आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज हाँ पूछिए आपका कोई पास आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ विष्णु एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ यू हैव एनी पास्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद मेरी दो और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ तो या दैट्स इट ओके विष्णु आप किस चीज के डॉक्टर हैं मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में आपको बताया ना तो उसका एक बार ऐसी हादसा आ गया था दरवाजे में मेरे पास आई जानू लग गई मैंने कहा इधर आओ किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो तुमने तो ठीक कर और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी मैंने कहा क्या हो गया बोली मेरे चोट लग गई चोट मैंने कहा इधर आओ किसी कर बोलिए तो ठीक हो गई So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से वो कह रहे हैं किससे करके ठीक कर लो जागृति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे ओके मुझे लगा था ऐसा कौन किससे करके चोट सही कर देता है सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं हाँ जी सर आई एम शक्ति आई एम अ राइटर सर सर आपका नंबर मेरे को खरवंदा जी ने दिया था वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धासु लिखी है साला ड्राइंग कर्टन के वो ओनर हैं वो फिल्में बनाते हैं तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए आप मेल कर दीजिए मुझे मैं खरवंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर कब मैं मेल करूं आप भेज दीजिए मुझे मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूं पांच मिनट दे देना पांच मिनट मैं आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था बताइए सर इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं अच्छा ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है सामने से दो ट्रक आ रहे हैं दो ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर सामने दिखाइए कार आ रही है
सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं, सर ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे तीन गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं, वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है, उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है, यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला बोली आई मान जल गई जल गई मरगी मरगी। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ। तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे? कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखे हुआ है हमने, एक ट्रक के पीछे हम दो हमारे दो, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया कहाँ से दिख रहा है? कौन बोल रहे हैं? दिव्यज्योत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म सही बताइएगा? द बेस्ट पार्ट वाज जो वो जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो अक्षता, बाद में बात करूँ मैं? कौन बोल रहे? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ बेटे, ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक होती हैं। नाना जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है? आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है, जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है? अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि अब ऐसे कर लो अब ऐसे कर लो, नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियाँ टूट जाती है यहाँ पे बेटे। लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती, तो इसमें गलती क्या मानू? मैं बात सही तो कह रही हूँ आपको, रिश्तेदारियाँ ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी? समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ, मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना मैं समीर का नाना हूँ तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी, मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट, माय वाइफ नाउ रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो कौशिक, राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछे कि आपने कॉल किए क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप, ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी जो दो तीन दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की, राइट राइट वही था। मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारे पे कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था कौशिक। यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हग करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज एक घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बनाया सर आप मैंने आपका। ओके ओके। हेलो, हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, जूस वाले बोल रहे हैं। आपको अब ऐसा कॉल कर दिया है, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप अपने वो जो भाई साहब हैं ना, उनके साथ रोज आते हैं हमारी जूस की दुकान पे, हमको बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। कौन बोल रहे हो आप?
आप हमारी जूस का दुकान पे आते हैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप रोज जूस पीने आते हैं। अच्छा, अच्छा। आप जब नहीं आते हैं हमको अजीब लगता है कि आज साहब और मैम नहीं आए हैं। भैया आप हमें देखते हैं रोज? हम देखते हैं, हमको खुशी होता है कि प्यार मोहब्बत है मैडम, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों जूस पीने आते हैं। हम दोनों ही आते हैं क्योंकि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। हमको मालूम है और बहुत अच्छा बात है, जो बहुत अच्छा बात है। मैडम एक बात आपको बोलना था। जी बोलिए। कभी कभी तो पैसा आप भी दिया करिए ना जूस का, हमेशा भाई साहब भी देते हैं। हमेशा हम देखे हैं, 2-2.5 महीना हो गया है, पर्स भी नहीं छूती हैं कि गलती से छू लें। तुमसे मतलब? नहीं तो मतलब तो है ना, गुंदा लगता।